नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज एक ऐसी नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आपको हर सीजन, हर मौसम, जैसे भी ओकेशन हो, आपको जरूर पसंद आएगी। नेचर तो अपने सीजन के अनुसार रूप रंग बदलते रहेगी, चाहे वो बारिश का मौसम हो, विंटर का मौसम हो, ये नाश्ता तो हर दिल अजीज है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन चीज बॉल की रेसिपी। चिकन चीज बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ चिकन का ब्रेस्ट का पीस लिया है 250 ग्राम्स, जिसे मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया है क्योंकि हमें इसे कीमा बनाना है। चिकन कीमा बनाने से पहले हम बनाएंगे चीज बॉल के लिए एक ड्राई रोस्ट मसाला, जिसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। ड्राई रोस्टेड मसाला बनाने के लिए मैंने कुछ गर्म मसाला लिया है, इनमें है 8 से 9 काली मिर्च, कुछ व्हाइट पेपर, 2 छोटी इलायची, कुछ दालचीनी का छोटा छोटा टुकड़ा जो बचा हुआ रह जाता है, और लिया है 3 लौंग। इन्हें हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, ये पैन गर्म भी हो गया है। अब इसमें डालते हैं साबुत गर्म मसाले। इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, जस्ट इनमें से खुशबू आने लगे तब तक ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये मसाला फ्राई हो गया है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इन मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इन्हें ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड करेंगे। ये मसाले ठंडा हो चुका है तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। ये ड्राई रोस्टेड मसाला पीस के पाउडर बन चुका है, अब इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक छोटा सा बॉल में। अब इन्हें हम साइड करके रखते हैं और चीज़ बॉल बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये मसाला फ्राई किया हुआ जार में ही हम चिकन को डाल लेते हैं और इसी जार में हम चिकन का कीमा बनाएंगे। चिकन का कीमा बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 2 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाइए। ये चिकन कीमा बन चुका है, अब इन्हें भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में। मैंने चिकन कीमा को एक बड़ा सा बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि इन चिकन कीमा के साथ हम और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। और ये है वही ग्राइंड किया हुआ मसाला, इन्हें भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। इसके साथ हम मिलाएंगे इसमें 1/2 लेमन जूस और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कुछ धनिया के पत्ते। नींबू को हम इस जूसर में डाल के निचोड़ लेते हैं। आपके पास अगर नींबू नहीं है तो आप इसके जगह विनीगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये धनिया की पत्ती, जिसमें हम सारा इसमें नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा रख लेंगे, बाद में यूज़ करना है। ये है प्रोसेस चीज़ का एक क्यूब, जिसे हम ग्रेट करके इसमें मिलाएंगे। अब इसके साथ मिलाऊंगी एक खास इंग्रेडिएंट्स, ये है मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून। इससे इस चीज़ बॉल का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। और इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ग्रीन चिली, बहुत सारी तीखे चीज़ें मिला हुआ है, तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर को एडजस्ट करके मिलाइए। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, अब इन्हें भी साइड करके रखते हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप का प्रिपेयर करते हैं। चीज़ बॉल को डिप करने के लिए मैंने यहाँ 2 अंडा लिया है, इन्हें पहले हम फोड़ लेंगे।
अब इस अंडे में मिलाएंगे 1/4 टीस्पून नमक और इन्हें अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी अंडे के घोल में मिला सकते हैं। मैं नहीं मिलाऊंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि बहुत सारा तीखा चीज़ें कीमा के मिक्सचर में मिला हुआ है। अंडे का घोल भी बन गया है। अब इन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए साइड करके रखते हैं और चीज़ बॉल के लिए चीज़ को रेडी करते हैं। ये है डाइस्ड मोजरेला चीज़। आप अपने चिकन कीमा के क्वांटिटी के अनुसार मोजरेला चीज़ लीजिए। इसमें भी हम कुछ सामग्री ऐड करेंगे। इसके साथ भी हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून। वही धनिया के पत्ती जिसे मैंने बचा के रखा था, इसे भी इसके साथ ऐड करेंगे और मिलाऊंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं। चीज बॉल बनाने के लिए हमारा सारी चीजें रेडी हो चुका है, तो चलिए बनाते हैं चीज बॉल। हमारा चीज रेडी है, अंडे का घोल रेडी है और चिकन भी रेडी है, और चाहिए हमें ब्रेड क्रम्स। तो बनाते हैं चिकन बॉल स्टेप बाय स्टेप। पूरा प्रोसेस को आप फॉलो करते जाइए। चिकन कीमा को आप हाथ में थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और बीच में डालिए थोड़ी सी चीज। इस मिक्सचर से हम हाफ टेबल स्पून के करीब ले लेंगे और बीच में रख के चिकन से हम इसे कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ ना डालें बीच में, नहीं तो फ्राई करते वक्त चीज़ निकल आएगा। इस तरह से आप चीज़ को अच्छी तरह से कवर कर लें। अब इसे हम डिप करेंगे अंडे के घोल में। अंडे के घोल से निकाल के इसे हम ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। हाथों से अच्छी तरह से इसमें लगा ले ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स का एक कोट लगाने के बाद हम इसे फिर से डीप करेंगे अंडे के घोल में। और इसमें लगाएंगे ब्रेड क्रम का सेकेंड कोट। इस बॉल को आप अच्छी तरह से चारों तरफ से कोट कर लें। इस चिकन चीज बॉल को डबल कोट करने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। हो गया हमारा चिकन चीज बॉल का डबल कोटिंग। इसी तरह से हम सारे चिकन चीज बॉल को बना लेंगे और इसे डबल कोट करके पहले प्रिपेयर कर लेंगे, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। सारा चिकन चीज बॉल कोट होके रेडी हो गया है, तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। इसके लिए हम पहले से ही कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, अब इसे हम फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा तेल ही लेना है, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है और तेल का टेम्परेचर आप मीडियम ही रखें। अगर लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगा, और हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, चिकन अच्छी तरह कुक नहीं होगा। चिकन बॉल्स को डालते ही आप इसे न पलटें, 30 सेकेंड से 1 मिनट होने के बाद आप इसे पलटें। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए आप इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें। ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर होके फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इस चिकन चीज बॉल को निकालने के लिए मैंने एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रखा है, इसी के ऊपर रखेंगे चिकन चीज बॉल को, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है वो ये टिश्यू पेपर सोक कर लें। फर्स्ट बैच का चिकन चीज बॉल्स को फ्राई करके हमने निकाल लिया है, हम इसी से डिश आउट करते हैं और नेक्स्ट बैच को हम बाद में फ्राई करेंगे। चिकन चीज बॉल को मैंने सर्व किया है काशुंदी और केचप के साथ।
इन दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे प्रोसेस से आप एक बार चिकन चीज़ बॉल बनाइए और काशुंदी और केचप के साथ सर्व करके देखिए, सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप भी खा के इसका रिजल्ट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप सबको ये कैसा लगा।